नमस्कार दोस्तों, सोटोका सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि देश में वैक्सीनेशन के नाम पे 3 महीने का रिचार्ज जो है फ्री दिया जा रहा है। इस प्रकार के मैसेज जो हैं आपको अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, SMS के द्वारा मिल रहे होंगे, जिसमें इस प्रकार का एक लिंक दिया होता है। इस लिंक पर क्लिक करने के लिए आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी इसकी हकीकत क्या है, किस प्रकार से है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये अलग अलग मैसेज आते हैं, कभी होली पे, कभी दिवाली पे कि दिवाली की खुशी में 3 महीने का रिचार्ज फ्री, कभी होली के धमाका, कभी जियो की वर्षगांठ है, या एयरटेल का, वोडाफोन का, या अन्य कोई इतना प्रॉफिट होने के कारण इतना लूट, या इस प्रकार के मैसेज आपको देखने को मिलेंगे टाइम टू टाइम। या कोई जयंती होती है, कोई उत्सव होता है, तो उसमें इस प्रकार के मैसेज वायरल होते हैं हर साल। इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, फ्री रिचार्ज के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी, अब ये मैं न्यूज़ जो है आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फ्री कोई भी चीज़ जो है आज के टाइम में नहीं मिलती है, और जो लोग इस प्रकार के मैसेज शेयर करते हैं वो अनपढ़ से भी अनपढ़ है, अंगूठा साफ से भी नीचे की जो कैटेगरी होती है ना, वो लोग हैं। क्योंकि वो खुद तो भ्रमित होते ही होते हैं, दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। अब ये देखिए न्यूज़, अगर आपके मोबाइल या व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 माह के लिए फ्री रिचार्ज का मैसेज आए तो उसके झांसे में न आए। यह मैसेज टेलीकॉम कंपनियों का नहीं है, बल्कि साइबर ठगों का है। मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल का डाटा लीक हो जाएगा, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। साइबर सेल में अब तक ऐसी 3 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें उन्होंने लिंक के क्लिक करते ही मोबाइल के हैंग होने की बात कही। साथ ही 50 से अधिक लोग मैसेज की पुष्टि के लिए साइबर सेल आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 3 माह के फ्री रिचार्ज स्कीम निकाली है। अगर किसी के पास जियो, एयरटेल और VI का सिम है तो वह फ्री रिचार्ज योजना का लाभ ले सकता है। इतना ही नहीं, मैसेज में ये भी कहा गया है कि फ्री रिचार्ज का ये ऑफर 15 अगस्त तक है, इसके बाद उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा। साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है इस तरह के फर्जी मैसेज के झांसे में न आए, ठग मोबाइल का डाटा चुराने के मैसेज के साथ लिंक भेज रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम था तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा हर घर के अंदर दो दो तीन तीन बच्चे तो पढ़ते हैं। अब कितनी जनसंख्या है, कितने परिवार हैं, उसमें से कितने लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, आप सोच के देखिए कितना डाटा उसके पास जाता होगा, साइबर वालों के पास जो साइबर चोरी करते हैं साइबर डाटा का। तो भारत सरकार द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रहा है। अगर आपके पास जियो, एयरटेल, वोडाफोन का सिम है तो आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ये इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, यानी ये एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार के ऐसे लगता है ना कि अभी पब्लिक को राशन कार्ड वितरण की योजना दे रही है स्कीम, तो उसमें ये ऐसा मैसेज चलाएंगे कि राशन कार्ड आपको फ्री मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करिए। या ऐसे लगेगा कि यहाँ गैस सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है, तो उस टाइम भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि इस लिंक पे क्लिक करो आपको सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। या इस प्रकार होली दिवाली जैसे जैसे त्यौहार आते हैं उसके ऊपर ये मैसेज इस प्रकार से बना करके डालते रहते हैं, और लिंक उनका वही होता है या थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। ठगी के मैसेज, फाइल, फोटो, सतर्क रहने की जरूरत। एयरटेल, जियो, VI कंपनी के अधिकारियों ने बात की तो उन्होंने इस तरह के किसी भी ऑफर को इनकार कर दिया। साइबर जालसाज एक बार फिर फ्री रिचार्ज का लिंक भेज रहे हैं, लोगों को सतर्क करने की जरूरत है। ये क्रमवीर सिंह जो हैं मेरठ जोन पुलिस के साइबर एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये बात कही है। अब ऑनलाइन पढ़ाई का लालच, साइबर सेल प्रभारी सुमित कुमार का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह का मैसेज वायरल हुआ था, उसमें भी 3 महीने के फ्री रिचार्ज का साथ दिया गया था, अब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो ये इस प्रकार के मैसेज टाइम टू टाइम, ये मैंने एग्जांपल के रूप में, अभी ये तो इन्हीं दिनों में चल रहा है, अब वैक्सीनेशन पूरा हुआ या इस प्रकार की, कहने का अर्थ है मार्केट के अंदर जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ अभी मार्केट के अंदर ये जो रिक्वायरमेंट है, ये बात है, वो
हर घर पे लागू हो रही है। कोई ईद का त्यौहार है, रमजान है, होली, दिवाली, या कोई गांधी जयंती, या इस प्रकार के बहुत सारी जो उत्सव या जयंतियाँ आती हैं उनके ऊपर इस प्रकार के मैसेज वायरल करते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो आपको ये इनाम दिया जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करो आपको ये मिलेगा। आज के टाइम में सीधा सा बता देता हूँ मैं, कोई चीज़ फ्री नहीं है। यदि आपको कहीं से फ्री मिल रही है, जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई 15,000 का कूलर ले हो, इसके साथ 1,000 रुपये की DVD देंगे, तो इस प्रकार का यदि ऑफर है तो वो फ्री नहीं है। वो 15,000 में से 5,000 रुपये आप में से निकाल चुका है और उसमें से आपको 1,000 रुपये दे देगा, फिर भी वो 3,000 प्रॉफिट में रहेगा। फ्री नहीं है ये, कस्टमर को एक लालच देने का है। तो आज के टाइम में लालच जो है वो बुरी बला है। आपने बहुत सारी कहानियों में देखा होगा कि लालच का अंत कैसे होता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल भी आते हैं, और अभी तो एक इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे जॉब मिल रहा है, स्नैपडील पे जॉब मिल रहा है, डेली इतना कमाएं, कम से कम 10 मैसेज तो मेरे पास आ चुके हैं मेरे सिम पे। तो इस प्रकार के मैसेज यदि आपको मिल रहे हैं तो उन लिंकों के ऊपर क्लिक नहीं करना है। वो आपको यदि कभी लिंक पे क्लिक करते हो और आपको 5-10 रुपये मिल भी जाते हैं, उसके बाद में वो आपके अकाउंट को उसमें ऐड करवाएंगे, आप उसको विड्रॉल करने के लिए अकाउंट ऐड करोगे और वो 5-10 रुपये भी आपको नहीं मिलेंगे, आपका अकाउंट का डाटा भी चला जाएगा, क्योंकि विड्रॉल करने के लिए अकाउंट नंबर चाहिए। तो आप लालच में आ ही चुके हो, आपको 15-20 रुपये दिखाई दे रहे हैं तो उसको विड्रॉल करना चाहोगे। विड्रॉल करने के लिए आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे, अकाउंट नंबर डालते ही उसका अकाउंट का डिटेल जो है वो भी उनके पास चला जाएगा, आधार नंबर वगैरह जो भी KYC करने के लिए फिर वो डिटेल मांगेंगे। तो सारा डिटेल जो है आप अपनी जो है वो उन लोगों को आप दे पाओगे। उन लोगों को यदि आपने डिटेल दे दी तो उसके बाद वो आपके डाटा के साथ क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उनका कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा KBC का कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, 50 लाख की लॉटरी लगी है, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो विश्वास दिलाने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट और किसी के नहीं होते हैं, वो आम पब्लिक के ही डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजते वो। आपने उनको KYC करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट भेजे, वो वहाँ से डाउनलोड करेंगे और दूसरे लोगों को डाल देंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट मान लो कि वो लोग फंस जाते हैं दूसरे, ठीक है, तो वो फंसने के बाद में फिर उनको आधार कार्ड, उनके पास पैन कार्ड होगा, वो पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, तो इंक्वायरी किस पे होगी, जो डॉक्यूमेंट उनको दिया जा रहा है उसके आधार पर पुलिस इंक्वायरी करेगी। आप बोलोगे मैंने तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट इसको भेजे ही नहीं, क्योंकि आपकी बात भी सही है, क्योंकि आपने तो कहीं किसी ऐप पे KYC की है या किसी फ्री रिचार्ज के नाम पर कुछ ना कुछ डाटा दिया है। लेकिन वो लोग जो ठग होते हैं उन लोगों के पास आपका डाटा चला जाएगा और वो आपका डाटा दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। फंसोगे कौन, आप फंसोगे, कभी यदि पकड़े गए तो वो नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका तो काम ऐसा ही है कि अपने डिटेल नहीं देंगे वो, आप लोगों की पब्लिक के डॉक्यूमेंट ही पब्लिक में डालते रहते हैं एक दूसरे के, आपको किसी और का दे देंगे, किसी और का डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे, आप सोचोगे अगले ने ही दिया है। ऐसी कंडीशन हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप गूगल में ई आधार जो है उसको डाउनलोड करें, जो आपके पास आधार कार्ड भेज रहा है कोई भी उसको डाउनलोड करें, और उसके अंदर आप जैसे ही आधार नंबर डालोगे, आधार नंबर डालने के बाद में उसमें OTP जाएगा, तो अगला बोलेगा कि ये आधार कार्ड मेरा है, तो उसके पास OTP भी जाएगा, तो जैसे ही OTP वो बोले कि हाँ OTP आया या नहीं आया, आप यदि उससे पूछोगे कि आपके पास OTP आया या नहीं है, अगला ये बोल देगा ना कि OTP नहीं आया है, फिर वो बोलेगा मेरे भाई का आधार कार्ड है, मेरे साहब का आधार कार्ड है, मेरे बॉस का आधार कार्ड है, तो उसको बोल देना कि तेरे को यदि प्रॉफिट देना है, फ़ायदा देना है, तो इस आधार कार्ड में जो OTP आई है वो OTP बताओ। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसका आधार कार्ड है ही नहीं, वो OTP किसी ओरिजिनल आदमी के पास जाएगा, और जो फर्जी लोग होते हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के डॉक्यूमेंट लेते रहते हैं और एक दूसरे को भेजते रहते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट है, हमारे आधार कार्ड है, वो उनके नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ठग लोगों से सावधान रहें, और इस प्रकार के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इनके लिंक पे क्लिक करते हैं और इनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो इससे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में,
इस प्रकार के लालच के अंदर नहीं आना है। सूचना अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।